हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत है सबको। राम राम। अब मैं भैंस का दूध निकालने जाऊंगी और लगभग 6:30 हो गए हैं क्योंकि शाम को 6:30 बजे हम दूध निकालते हैं बकरीलों का। और अब मैं जा रही हूँ बकरीलों का दूध निकालने। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ हमारी भैंस के दो कमरे हैं। एक में तो इसको मानते हैं, एक में इसकी चारा डालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और इनके साइड में ठाण है, इनको नीरा जाता है और इन बाल्टियों में पानी पिला देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखो, दो रूम है, इसके अंदर तो हम भैंस को बांध देते हैं। इसका फर्श तो वैसे पक्का है, ये देखो, इसलिए ये गद्दा डाल रखा है क्योंकि इस पर भैंस है ना, आराम से बैठ जाती है। और ये पानी मार कर हम धो देते हैं। ऊपर वैसे फैन लगाया हुआ है, गर्मी नहीं होएगी भैंस को। और ये रहा भैंस का चारा, इसके अंदर तूड़ी ताड़ी रखी हुई है, ये देखो। और इधर ये देखो, छोटी पाड़ी बंधी हुई है, वहाँ पे भैंस है, वहाँ पे भी ये देखो गद्दा घेरा हुआ है क्योंकि ईंटे जड़ी हुई है। बारिश आने के कारण यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी सा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ये ईंटे लगा दी और ये गद्दा घेर दिया। इस पर बैठ कर हम दूध निकाल लेते हैं। और शाम को ना इन कच्ची जगहों पर मान देते हैं, और कच्ची जगहों पर मान दे पर ये शाम को अच्छी तरह बैठ जाती है। यहाँ पे इनके खूंटे हैं, ये देखो। भैंस का दूध मैंने निकाल लिया है और इसने चाटा तो पहले ही खा लिया था भैंस ने, क्योंकि पहले ही ये चाटा खा लेती है और बाद में सीधी खड़ी होती है दूध देती है। निकाल लिया भाई, इतना दूध है ये देख। अब चलो घर पर। हेलो फ्रेंड्स, हमने सारा काम कुम तो कर दिया और दूध भी निकाल दिया। सब दूध भी हमने मतलब जमावन भी लगा दिया। सब काम कंप्लीट है। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दिल को सबसे राम राम।